सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती का पाठ 8 कविता कर्मवीर। कर्मवीर मतलब ऐसे वीर, ऐसे लोग जो अपने कर्मों को बहुत ही वीरता के साथ करते हैं, अपने कार्यों को बहुत ही वीर बन के बहुत ही इस तरह से करते हैं कि जिनको कभी भी कोई भी काम को करने में परेशानी आए भी तो वो अपने आप ही उस परेशानी का हल निकाल लेते हैं और अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। तो आइए कठिन शब्द देखते हैं। विविध, विविध मतलब तरह तरह की, पछताते, पछताना, पछतावा होना किसी चीज़ के लिए, चांदनी, चांद की रोशनी, घबराते, घबराना, चंचल, ऐसे लोग जो बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही चुलबुले होते हैं, उन्हें चंचल कहते हैं। मदद मतलब किसी की सहायता करना। देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आज में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काम में वे ही मिले फूले फले, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। तो आइए बच्चों, इस पाठ का हम मतलब इस कविता का अर्थ समझते हैं। पहला अनुच्छेद देखते हैं। देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं, यानी बाधा मतलब रुकावटें, विविध मतलब तरह तरह की, कैसी भी तरह तरह की रुकावटें आ जाए, कैसी भी अड़चने आ जाए, उनको देख कर कभी भी कर्मवीर लोग घबराते नहीं हैं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, और वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरे भाग्य में तो यही लिखा हुआ है या ये दुख मुझे मेरे भाग्य से मिले हैं, उसके लिए वो कभी भी नहीं सोचते और ना कभी उसके लिए वो पछताते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, उकताना मतलब परेशान हो जाना, ऊब जाना, बोर हो जाना, कितना भी मुश्किल काम हो उससे कभी भी वो परेशान नहीं होते, ऊबते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और भीड़ में ऐसे वीर महान पुरुष अलग ही दिखते हैं, चंचल बनते हुए अलग ही नजर आते हैं। हो गए एक आज में उनके बुरे दिन भी भले, आज उन्होंने ऐसा काम किया, एक ही दिन में उनके जो बुरे दिन थे वो भी भले हो गए, भले में बदल गए, सब जगह सब काम में वे ही मिले फूले फले, और हर जगह पर हर काम में कर्मवीर लोग ही सबसे आगे दिखते हैं, वही फूलते फलते हुए दिखते हैं, उन्हीं के काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, जो काम उन्हें आज करना है उसे आज ही करते हैं, वो कल पर कोई काम नहीं छोड़ते, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं, और वो जो सोचते हैं और जो कहते हैं उसको वो पूरा करके दिखाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सोचते रहते हैं या बोलते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। कर्मवीर लोग जो सोचते हैं और जो कहते हैं वो कार्य पूरा करते हैं। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, सबकी कही हुई वो सुनते हैं लेकिन मानते अपने मन की हैं, ये नहीं है कि अगर कोई आप उनको समझा रहा है तो वो सुनेंगे नहीं या उनकी बात को वो काट देंगे, नहीं, वो सबकी सुनेंगे लेकिन जो उन्हें ठीक लगता है, जो उनका मन कहता है उसी को करते हैं, जो मदद करते हैं अपनी इस दुनिया में उनको किसी भी की भी मदद की जरूरत नहीं होती, भूल का मुंह कभी तकते नहीं, अपने किसी भी काम के लिए वो कभी भी दूसरों का मुंह नहीं देखते, दूसरों का मुंह ताकना मतलब दूसरों से मदद की उम्मीद रखना या दूसरों का मुंह देखना वो कभी भी नहीं देखते, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, और ऐसा कौन सा काम है
जिसे वह नहीं कर सकते वो हर काम कर सकते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, मतलब कर्मवीर लोग ऐसे होते हैं कि अगर चिलचिलाती धूप में भी वो निकल जाए, चिलचिलाती धूप मतलब इतनी भयंकर गर्मी जिसमें पसीनों से लथपथ हो जाते हैं, तो उस चिलचिलाती धूप का भी उन पर कोई असर नहीं होता, वो उसको भी चांदनी बना देते हैं। चांद की रोशनी शीतल होती है, हमें ठंडक देती है, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे धूप में भी उनको कोई असर ना हो रहा हो और धूप में भी उन्हें ठंडक का एहसास हो रहा हो। काम करने पर करें जो शेर का भी सामना, और अगर ऐसा कोई काम पड़ जाए जिसके लिए उन्हें शेर का भी सामना करना पड़े तो भी वो कर लेते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना चबाना मतलब मुहावरा है ये, कठिन परिश्रम करना। लोहे का चना चबाने में कितनी मेहनत लगती है, तो वो वही बोल रहे हैं कि वो हंसते हंसते ऐसा काम भी कर जाते हैं जिस ताकि उन्हें लोहे का चना चबाने में भी परेशानी नहीं होती, यानी कठिन परिश्रम आसानी से कर जाते हैं वो हंसते हंसते। है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठना। और अगर जिनके मन में यह ठान लिया उन्होंने कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम उनके लिए चाहे कितना भी कठिन हो, वो कोई भी काम उनके लिए कठिन नहीं होता। कितना भी मुश्किल काम हो लेकिन कर्मवीर लोगों के लिए वो कठिन नहीं होता। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कितने कोस चल लें, कितने किलोमीटर चल लें, लेकिन कभी भी वो थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। गांठ खोलना मतलब रहस्य खोलना, यानी गांठ खोलना मतलब किसी भी समस्या का हल निकालना। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी वो गांठ ना खोल सकते हो या जिसका वो हल ना निकाल सकते हो। तो बच्चों आपने पढ़ा कर्मवीर पाठ। अंत में आपको एक नाम दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। इसका क्या मतलब हुआ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का मतलब है कि इन्होंने यह कविता लिखी है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। कविता के रचयिता जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत हैं। धन्यवाद। आप आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।